हेलो दोस्तों, मेरा नाम मान सिंह है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं एमके ब्लॉग। तो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, आपका परिवार भी बिल्कुल ठीक ठाक होगा। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसी कंट्री की जो कि बहुत छोटी कंट्री है, जिसका पॉपुलेशन भी बहुत कम है और उसने अभी जस्ट कुछ महीने से अपनी कंट्री में वर्क परमिट बहुत ईजिली ओपन किए हैं। और इस कंट्री के बारे में मैं आपको विस्तार से बनाऊँगा। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकॉन के बटन को जरूर प्रेस कर देना और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखना कि आपको कैसी लगी वीडियो। और दोस्तों, अभी हम बात करेंगे ऐसी कंट्री की जिसकी पॉपुलेशन सिर्फ 5 से लेकर 5.5 लाख तक है और एक बहुत छोटी कंट्री है, मगर इसने अपने देश में हर एक कंट्री के लिए वर्क परमिट ओपन किए हुए हैं। ड्यू टू कोविड-19 की वजह से यहाँ पर जो वर्कर पहले काम कर रहे थे वो कोविड-19 की वजह से अपने अपने कंट्री में चले गए, जिसके बाद इस कंट्री में वर्क करने के लिए यहाँ पर जो वर्कर की है कमी आ गई है। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं माल्टा कंट्री की, जो कि एक यूरोपियन कंट्री है और ये शेंजन 26 कंट्रियों में से एक आती है। तो यहाँ का जो करेंसी है वो है यूरो। आप सर्च करके गूगल पर कर सकते हैं कि यूरो की क्या रेट चल रहा है। मेरे हिसाब से 86 या 87 रुपये का रेट चल रहा है, काफ़ी अच्छा इसका रेट है। तो दोस्तों, एक जो इंग्लिश भी आप बोल सकते हो आराम से, वह इजीली वहाँ वर्क कर सकते हो। तो दोस्तों, यहाँ पर वर्क ले सकते हो। तो दोस्तों, माल्टा में जाने के लिए दो रास्ते हैं, एक तो खुद आप अप्लाई कर सकते हो, दूसरा एजेंट के थ्रू जाना। थोड़ी सी आप मेहनत कर लोगे, आप थोड़ी जानकारी ले लोगे माल्टा में जाने के लिए, तो खुद आप अपने आप अप्लाई कर सकते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और अगर आप एजेंट के थ्रू जाते हो तो एजेंट तो अपना रेट लगाएगा, ये सुनने में आ रहा है कि वो 10 से 12 लाख रुपये ले लेता है माल्टा में जॉब लगवाने। तो दोस्तों, कई पर्सन ऐसे होते हैं जो कि नहीं दे पाते इतना पैसा, मगर कुछ दे देते हैं, वो इजीली एजेंट के थ्रू चले जाते हैं, मगर कुछ नहीं दे पाते, उनके पास अच्छी नॉलेज होती है। तो उनके लिए एक इजीली रास्ता है कि थोड़ी सी नॉलेज लें, इसकी जो वेबसाइट है वहाँ पर जाके इसको स्टडी करें, फिर उसके बाद जाके वहाँ पर आप इजीली अप्लाई करें। कुछ नहीं है इसके अंदर, आपने माल्टा में जाकर जो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट में कुछ गवर्नमेंट के अप्रूवल जो जॉब पोर्टल है वहाँ पर जाना है। वहाँ पर जाने के बाद आपने वहाँ पर अपने ट्रेड के मुताबिक वहाँ पर जॉब देखनी है, और जो भी आपको वहाँ पर अपने ट्रेड के हिसाब से, चाहे आप इलेक्ट्रिशियन हो, चाहे प्लम्बर हो, चाहे आप के नाम है कारपेंटर हो, कोई भी ट्रेड में आप महार हैं, अगर आपके ट्रेड में वहाँ पर वैकेंसीज निकली हुई हैं तो आप वहाँ पर वैकेंसी भरें, अच्छा रिज्यूम बना के भरें, जिसके आधार पर जिस बढ़िया रिज्यूम आपका जब किसी एम्प्लॉयर के पास जाता है तो वो देखता है, तो आपको वो जॉब ऑफर लेटर देता है। तो दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपने अलग अलग ट्रेड में महार हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिशियन हैं, प्लम्बर में भी, इलेक्ट्रिशियन भी आप भी हैं, प्लम्बर भी आप कर लेते हैं, अगर और भी ट्रेड आपको आता है तो प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है कि आप एक ही ट्रेड में वहाँ पर जॉब भरें, नहीं तो आपको ऑब्जेक्शन आ सकता है। तो दोस्तों, एक दूसरी बात यह है कि माल्टा एक बहुत ही टूरिस्ट प्लेस कंट्री है और वहाँ पर काफ़ी टूरिस्ट आते हैं, बहुत सुंदर कंट्री है। तो आपको पता ही है कि वहाँ पर जो है कि ऑफ होटल का बहुत काम है, तो उसके लिए भी वहाँ पर काफ़ी उनको जो वर्कर हैं चाहिए होते हैं, तो आप वहाँ पर भी जाकर अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, माल्टा में जाने के लिए आप जैसे ही अप्लाई करते हैं, रिज्यूम भरते हैं, तो उसके बाद क्या है कि जॉब आपको जो वहाँ का अप्लाई है आपका जो रिज्यूम देखता है, रिज्यूम देखने के बाद आपके लिए जॉब ऑफर लेटर भेजता है। इसके बाद जैसे ही आपके पास जॉब ऑफर लेटर आता है तो उसमें आपको क्या करना होता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट भेजने होते हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट है, आपके एजुकेशन डॉक्यूमेंट, आपका पासपोर्ट की स्कैन कॉपी या और आपकी फ़ोटो या काफ़ी ऐसे डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड किए जाते हैं वो आपको वहाँ पर भेजने पड़ते हैं, जिसके बाद आपका जो एम्प्लॉयर जिसने आपके लिए जॉब के लिए ऑफर लेटर भेजा था वो आपके डॉक्यूमेंट लेकर डेंटी माल्टा के पास जाता है। जाने के बाद वहाँ पर वो आपके डॉक्यूमेंट सबमिट करता है। कई जॉब ऐसी होती हैं जिसमें डेंटी माल्टा ऑब्जेक्शन ले सकता है कि इससे पहले आपने यहाँ पर जो सिटीजन है माल्टा के अंदर, आपने वहाँ पर इसके लिए ऐड दी,
तो वो बोल सकता है हाँ मैंने ऐड दी, मेरे को यहाँ पर कोई भी ऐसा कैंडिडेट नहीं मिला है, और या ना हमको कोई ऐसा वर्कर मिला है जिसकी जो किस जॉब पर आ सके, इसलिए हम इंडिया से बंदे को बुला रहे हैं। तो ऐसा कई जॉब ऐसे होते हैं कि आप किसी भी कंट्री से किसी भी वर्कर को बुला सकते हो। तो इस हिसाब से सबसे पहले आपका जो है वहाँ से परमिशन लेनी पड़ती है जेंटी माल्टा से। उसके बाद क्या है कि आपका एग्रीमेंट बनता है, एग्रीमेंट जो है कि माल्टा की नोटरी है वहाँ से अटेस्टेड होना चाहिए। उसके बाद फिर आपके पास वो बाई पोस्ट आपके पास जो डॉक्यूमेंट अप्रूवल है वो सब बाई पोस्ट आपके घर पे आती हैं। उसके बाद आप माल्टा का वीज़ा लेते हो, वीज़ा लेने के बाद आप वहाँ पर माल्टा के लिए फ्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों बहुत ही अच्छी कंट्री है, वहाँ पर आप जाके काम कर सकते हो। और इसके मैं आपको बताता हूँ कि इसके दो वीज़े मिलते हैं। पहला वीज़ा जो होता है वो सी टाइप वीज़ा होता है, जिसमें शॉर्ट टर्म वीज़ा, जिसमें आप वर्क नहीं कर सकते, आप सिर्फ घूम सकते हो। एक होता है डी टाइप वीज़ा जो लॉन्ग टर्म वीज़ा होता है, उसमें आप वहाँ पर स्टडी कर सकते हो, वहाँ पर वर्क कर सकते हो। तो माल्टा में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती किसी वर्कर के लिए कि उसको लैंग्वेज की प्रॉब्लम आ रही है या उसको वेदर की प्रॉब्लम आ रही है, ऐसा कुछ नहीं है। माल्टा बहुत अच्छी कंट्री है, बहुत शांत एरिया है, और वहाँ पर जो लैंग्वेज है मैंने आपको पहले बता दी कि इंग्लिश बोल सकते हैं आप अच्छी तरह, आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। तो वहाँ के लोग बहुत ही शांत स्वभाव के लोग हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ पर कुछ कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। आप आराम से जाके माल्टा में अप्लाई करें, वहाँ पर जाएं, वहाँ पर जॉब करें और अच्छा पैसा कमा के अपने भविष्य को उज्जला करें। तो दोस्तों आप लोगों को मैंने जो जानकारी दी आपको कैसी लगी मेरे को ज़रूर बताना। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरे जॉब पोर्टल के